जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, गृहस्थ आश्रम उद्धार करने के लिए है, फंसने के लिए नहीं। सेवा करना उद्धार के लिए है और सेवा लेना फंसने के लिए है। आप चाहते हो कि सब घरवाले मेरे अनुकूल बन जाएं, तो यह पतन का फंसने का बढ़िया रास्ता है। जल में जाकर दोनों हाथों से जल लोगे तो एकदम जल के भीतर चले जाओगे, डूब जाओगे। परंतु दोनों हाथों से लातों से जल को धक्का दोगे तो तैरकर पार हो जाओगे। ऐसे ही इस संसार समुद्र में लेने की इच्छा करोगे तो डूब जाओगे और देने की इच्छा करोगे तो पार हो जाओगे। हम सब यहाँ लेने के लिए नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सबकी सेवा करो, सबका हित करो। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति हो जाती है वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। नहीं तो बैठकर संसार के झुंझने से खेलो, उससे क्या मिलेगा? माँ का प्यार, माँ का दूध तो तब मिलेगा जब आप संसार के झुंझुने को, सीटी पीपी को फेंक दोगे, माँ के बिना रह नहीं सकोगे। मनुष्य को भगवान ने मध्य लोक में बनाया है, जिससे वह ऊंचे लोकों की भी सेवा करे, नीचे लोकों की भी सेवा करे और इस लोक की भी सेवा करे। इतना ही नहीं, यह भगवान की भी सेवा करे। भगवान भी मनुष्य से आशा रखते हैं, कुटुंब भी, परिवार वाले भी आशा रखते हैं। इनकी सेवा करो और स्वयं नाम जप करो। दूसरों से भी नाम जप करने के लिए कहो, स्मरंतः स्मार्यंतः, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। भगवान का नाम मीठा लगे, प्यारा लगे, प्यारा न लगे तो भगवान से कहो कि हे नाथ, मुझे आपका नाम प्यारा लगे। हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मिनट मिनट में, आधे आधे मिनट में कहते रहो, हे नाथ आपको भूलूं नहीं। भूले ना ही बने कृपा निधि, भूले ना ही बने। भगवान की कृपा को जानने वाला कोई भी पुरुष भगवान को कैसे भूल सकता है? भगवान ने कितनी विचित्र कृपा की है, सब अंग दिए हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छी जगह पले हो, अच्छे संस्कारों में आए हो, भगवान को मानते हो, सत्संग में जाते हो, कितना सुंदर अवसर दिया है। अब थोड़ा सा और करो तो निहाल हो जाओ। जिन जीवों को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, उन जीवों को भगवान ने अपने पास आने का निमंत्रण दे दिया है। जैसे ब्राह्मण को, साधु को कोई निमंत्रण देकर अपने घर ले जाए, आसन देकर बिठा दे, सामने पत्तल और जल रख दे, तो फिर यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वह खाने को अन्न देगा कि नहीं देगा। अगर वह अन्न नहीं देगा तो उसने निमंत्रण क्यों दिया है? जब सामग्री दी है तो अन्न भी देगा। ऐसे ही भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया, अच्छी रुचि दे दी, अच्छा संग दे दिया, तो क्या अपनी प्राप्ति नहीं कराएंगे? वे तो तैयार हैं कि आओ, खूब मौज से भजन करो और सदा के लिए तृप्त हो जाओ। इसलिए भगवत प्राप्ति की चिंता न करके नाम जप करो, संसार की सेवा करो और आशा मत रखो। संसार आपसे सुख की आशा रखता है। जो आपसे सुख चाहता है उससे आप भी सुख चाहोगे तो दो ठगों में ठगाई कैसे होगी? आपके मन में है कि भाई बंधु माँ बाप से मैं ले लूँ, वे चाहते हैं कि आपसे ले लें, दोनों ठग हुए, दोनों ठगे जाएंगे और मिलेगा कुछ भी नहीं। जैसे भूखे को अन्न देने का और प्यासे को जल पिलाने का बड़ा महत्व है, ऐसे ही
सेवा चाहने वालों की सेवा करने का बड़ा महात्म्य है। बहनों को चाहिए कि ससुराल में रहें तो सबकी सेवा करें, अपने पिता के घर में रहें तो सबकी सेवा करें। मन में यह भाव रखें कि मैं दूसरे घर चली जाऊंगी तो वहां इनकी माता पिता चाचा ताऊ मामा भाई भौजाई आदि की सेवा कहां मिलेगी। माता पिता से शरीर मिला है, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, इतने कुटुंबियों से मैंने लिया ही लिया है तो वापस कब दूंगी। इसलिए बहनों को चाहिए कि लड़कपन से ही सेवा शुरू कर दें। पीहर से लेना ही लेना किया तो सेवा कब करोगी, वे तो फिर भी उम्र भर देंगे। ससुराल में अधिकार मिल गया तो अब वहाँ की भी सेवा करो, सबको सुख पहुँचाओ, फिर देखो आपका गृहस्थ भी शांतिदायक हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। केवल भाव बदल दो कि मैं तो सेवा करने के लिए हूँ। रोजाना सुबह और शाम बड़ों के चरणों में प्रणाम करो, काम धंधा खुद करो और सुख आराम दूसरों को दो। निंदा तिरस्कार उल्हाना अपमान अगर मिलते हो तो खुद ले लो और मान बढ़ाई आदर सत्कार दूसरों को दो। फिर आप देखो कितना आनंद होता है, कुटुंबिक स्नेह भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा, भजन का लाभ भी दिखेगा। संसार की आशा रखोगे तो लाभ नहीं दिखेगा, रुपए मिल जाएं आराम मिल जाए तो आपको यह लाभ दिखता है, इसके लिए आप दिन रात दौड़ते रहते हैं। वह तो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, परंतु भगवान का भजन असली धन है जो करने से ही मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अतः इस असली धन का संग्रह करो। जय श्री राधे। जय श्री राधे।